हाय ऑल, वेलकम टू घर जैसा खाना। आज हम बनाएंगे टेस्टी पराठा, वो भी बचुई दाल से। तो ये जो दाल है इसको मैंने पानी डाल के पीस लिया है। ये गेहूं का आटा है, नमक और तेल। इसमें नमक डालेंगे, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तेल 2 चम्मच डालेंगे। अब ये इस पेस्ट से आटा हम गूंदेंगे। आटे को थोड़ा सा सख्त गूंदना है, पूड़ी के आटे की तरह, जैसा पूड़ी के आटा गूंदते हैं उसी तरह गूंदना है। ये देखिए आटा गूंद गया है। इस आटे ये देखिए इसको 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। 5 मिनट बाद बनाएंगे हम। ये देखिए हमारा आटा नरम हो गया है। ये आलू का मसाला है, इसमें हमने सिर्फ मिर्च, हल्दी और जीरा पाउडर डाला है, ज़्यादा मसाला नहीं डाला है क्योंकि दाल में पहले से मसाले होते हैं। ये एक बड़ा पेड़ा लिया है, इसको अंदर की तरफ गड्ढा करके एक इस तरह से बनाएंगे, कटोरी जैसा बनाएंगे। और इसमें 1 चम्मच मसाला डालेंगे और इसको घुमा घुमा के ऐसे पूरा उसको बंद कर देंगे। एक तरीके से हो गया। एक दूसरा तरीका ये है, 2 छोटे छोटे पेड़े लेंगे, उसको ऐसे राउंड राउंड घुमाएंगे, हाथों से दबा के थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। उसमें एक में हम मसाला डालेंगे और उसको दूसरे से कवर करके साइड से दबा देंगे, पूरा दबा दबा के लॉक कर देंगे। ये देखिए अच्छे से चिपका देंगे। अब हम इसको बेलेंगे, हल्के हाथों से बेलेंगे ताकि मसाला बाहर ना निकले। ये जो पराठा है, दाल का पराठा, ये बहुत ही टेस्टी बनता है। ये बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि बच्चे दाल तो खाते नहीं हैं, तो हम दाल को बना के, ताज़ी दाल बना के भी उसको ठंडा करके पीस सकते हैं, नहीं तो बासी दाल को भी कर सकते हैं, पीस सकते हैं, उससे आटा गूंद सकते हैं। ये देखिए आप बटर, ये मैंने घी डाला है, आप कुछ भी डाल सकते हैं, तेल भी डाल सकते हैं या बटर डाल सकते हैं। देखिए इसमें कमी लगाना है क्योंकि दाल से आटा गूंदने पर ये खस्ता सा हो जाता है आटा, तो इसमें कमी डालना है। ये देखिए इसको लो फ्लेम पर सेकना है। ये देखिए इसे हम दूसरा पराठा सेक लेंगे। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हो तो उसमें मिर्ची ना डालें आलू के मसाले में, क्योंकि दाल में भी मिर्ची होती है। ये बच्चों को हम खिला सकते हैं, मेरे बेटे ने तो पूरा पराठा खा लिया था, उसको पता ही नहीं चला ये दाल का पराठा है। आप एक बार बना के ट्राई करें। ये देखिए इस तरह दिखते हैं। आप ये पराठे को हरी चटनी से खा सकते हैं, दही से खा सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये पराठा बना के अपने बच्चों को खिला सकें।